हेलो एवरीवन, STET पे एक और नया केस हुआ है जैसा कि आपको हम आगे दिखाने वाले हैं वीडियो में, और नॉट इन मेरिट की ओर से हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी संगठन टूटने का कारण सिर्फ़ और सिर्फ चंदा होता है। अगर कुछ लोग चंदों के पीछे भाग जाते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं, तो जा कर के कोई भी संगठन होता है वो टूट जाता है, बिखर जाता है। यही हाल STET 2019 के अभ्यर्थियों के साथ है। और एक खबर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, आज ही का है, देख सकते हैं। हाई कोर्ट में 6 माह बाद लौटी रौनक, मुकदमों की ऑफलाइन सुनवाई शुरू है। तो इसलिए दिखाए कि अब जितने सारे भी केसेस हैं, लगभग एक या दो केस का 2 हफ्ते के अंदर सुनवाई तो हो ही जाएगा। और ये जो है कल ही का है, ये तो आपको मालूम है। और चलिए मैं केस पे आपको ले चलता हूँ, वो केस जो नॉट इन मेरिट की ओर से की गई है। नया केस है, बिल्कुल नया केस है, इसको आप देख सकते हैं। तो आपका CWJC है, यहाँ पे देख लीजिए, CWJC 17/143/2021। देखिए ये डेट, फाइलिंग डेट है इसका, फाइलिंग किया गया 21 सितंबर 2021 को। रजिस्ट्रेशन डेट है 24 सितंबर 2021 को। इनका जो डिस्ट्रिक्ट है पटना, इनका नाम है पंकज कुमार सिंह। बाकी सारा कुछ डिटेल यहाँ दिया हुआ है, एडवोकेट का नाम सारा कुछ है। और इनका जो देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे भी गौर कीजिए, देखिए इनका कितना फास्ट काम हुआ है। 27 सितंबर को इनका लिस्टिंग डेट भी है, तो इनका जो वर्क है बहुत ही फास्ट चल रहा है। और वैसे तो अब कोर्ट खुल गया है, तो अब आपका सुनवाई होगा ही। और देख लीजिए कुंदन कुमार जी सेकंड पटिशनर हैं, देख लीजिए यहाँ पे सारा कुछ है। और थर्ड में आप सारा कुछ इसमें से प्राप्त कर सकते हैं, केस नंबर डाल करके। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं हमको कहना था, कहना इतना है कि कोई भी संगठन टूटने का कारण सिर्फ और सिर्फ होता है, एक ही कारण होता है कि अगर आपके बीच के बंदे ही खराब हो जाएँ, गलत हो जाएँ, अगर पैसों के पीछे भागने लगे ना, तो वो संगठन टूट जाता है, बिखर जाता है। और यही हाल है आपका STET 2019 पास आउट अभ्यर्थियों की। सबसे ज़्यादा तो इन मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं जो तो बिखरे नहीं हैं, कहीं ना कहीं वो 2 प्लेटफॉर्म पे हैं, कुछ इधर कुछ उधर हैं। लेकिन नॉट इन मेरिट के जो अभ्यर्थी हैं वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म से डिवाइड हैं, बहुत सारे चैनल से लेकर के डिवाइड हैं। तो ऐसा मत होइए, किसी को भी आप सुनते हो, किसी भी चैनल को देखते हो, तो आप पे एक ही प्लेटफॉर्म पे एक जगह से कार्य करोगे तो आपको कुछ मिलेगा, अन्यथा फिर आप भविष्य में रोओगे और उसके अलावा आपके पास कोई चांसेस नहीं होगा। तो बस आपको बस इतना ही मैसेज देना था। और अब जो भी सुनवाई होना है वो होगा, और उन सब का केस भी है वो हो रहा है, लिस्टिंग हो करके कभी इतने नंबर कभी उतने नंबर पे होते रह रहा है। तो वो सब का अब सुनवाई 2 हफ्ते के अंदर हो जाएगा, और आपको मैं अपडेट कर दूंगा सबसे पहले। तो आप लोग से मेरा भी एक आग्रह है कि जो लोग चंदा इकट्ठा उगाही करना चाहते हैं, उनका तो भविष्य में हम लगातार दिखाते ही आ रहे हैं कि जब अभ्यर्थियों की